हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल के बी एस स्वाद का तड़का में। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी नवरात्रि में व्रत रखने वालों के लिए है। इसे मैंने सिंघाड़े के आटे से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सिंघाड़े के आटे की पूरी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे मैंने कैसे बनाया है। आपको यदि देखना है तो इसे स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए, यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा बर्तन और इसमें मैं लूँगी एक कटोरी के करीब सिंघाड़े का आटा, जिसे मैं अच्छे से जो है छान लूँगी। देखिए, इस तरीके से जो है मैंने इसे छान लिया है आटे को। आटे को छानने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा व्रत वाला नमक, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। और सेंधा नमक डालने के बाद मैं इसमें हाथों से क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। अजवाइन फ्रेंड्स ऑप्शनल है, यदि आपको पसंद ना हो तो आप मत डालिएगा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसे मैंने दरदरा जो है कूट लिया था। और अब मैं इसमें आलू को जो है इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। यहाँ मैं बॉईल किया हुआ आलू ले रही हूँ। इसमें मैं दो बॉईल किए हुए आलू जो है ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करके डालने से जो है लम्स नहीं रहते हैं आलू में, जो है टुकड़े जो है पूरी में नहीं आते हैं, नहीं तो पूरी फटने का भी डर होता है। देखिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे मैं अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। इसे हाथों से जो है अच्छे से मिक्स करिएगा। देखिए, इसे मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी इसमें, और इसका एक डो तैयार कर लूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ पानी और इसका एक डो बना रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी यूज कर रही हूँ। और देखिए, इसे जो है हथेली से जो है इस तरीके से जो है मलेंगे हाथों से। और इसमें मैं लगा दूंगी अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इसे और सॉफ्ट कर लूंगी मैं रिफाइंड ऑयल लगा करके। दो जो है हमारा तैयार है। अब इसकी जो है मैं लोइयां तैयार कर लेती हूँ। इसकी मैं छोटी छोटी लोइयां जो है तैयार कर लूंगी। देखिए, इस तरीके से जो है मैं छोटी छोटी इसकी लोइयां बना लूंगी। और सभी लोइयां मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। और इसे अब जो है हम ले लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड लगा करके हल्के हल्के हाथों से इसे बेलिएगा, क्योंकि ये सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है तो इससे ये टूटने का जो है इसका डर होता है। देखिए, इसे मैंने हल्के हल्के हाथों से मैं इसे बेल रही हूँ, और ज़्यादा बड़ा नहीं बेलूँगी मैं इसे, थोड़ा छोटा ही साइज का रहने दूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए। पूरी मैं तल लूंगी। इसे मैं बेल करके नहीं रखूंगी, बेल कर रखने से ये टूटने लग जाती हैं, इसीलिए मैं एक एक करके इसे बेलती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। सभी पूरियां मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैं सभी पूरियां बना करके तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। देखिए, पूरी हमारी कितनी फूली फूली बन करके तैयार हुई है। इसे मैं सर्व कर दूंगी। आप इसे दही के साथ या आलू की सब्जी के साथ सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो रेडी है हमारी व्रत के लिए सिंघाड़े के आटे की पूरी। और आप भी जरूर बनाइएगा इस नवरात्रि में, खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट लगती है।